नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसका ये मेरा 11वां लेक्चर है और स्थानीय स्वशासन का ये मेरा 3रा लेक्चर है। तो स्थानीय स्वशासन के तहत पहले लेक्चर में हमने बात की पंचायत के बारे में, दूसरे लेक्चर में हमने बात किया पेशा अधिनियम 1996 के बारे में, और इस तीसरे लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा नगर पालिका के बारे में। तो ये तीनों लेक्चर आपस में एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक अगर आपने उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है जो इससे पूर्व कंडक्ट हुए हैं, तो आप उन्हें जा करके जरूर देख लीजिए इस चैनल पर, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आपको सारी चीजें नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन के दो भाग हैं, एक पंचायत और दूसरा नगर पालिका। ठीक है, तो एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसमें हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में। तो त्रिस्तरीय पंचायत, इसे हम कहते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। और दूसरा होता है नगरीय स्थानीय स्वशासन, जिसमें हम बात करेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों को, और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी इनके बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या किया गया, तो संविधान में भाग 9A पंचायतों में क्या किया गया था, संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया, संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया और इसका शीर्षक क्या है, नगर पालिकाएं। इसका शीर्षक क्या है, नगर पालिकाएं, और उसका शीर्षक क्या था, पंचायतें। ठीक है, हेडिंग। अब कहां से कहां तक जो है इसके प्रावधान किए गए हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक इससे जुड़े हुए प्रावधान, यानी नगर पालिकाओं से जुड़े हुए प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 73वें से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने अब कर ली। तो एक बार लगे हाथ ही 12वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं कुल 18, उनमें कौन कौन से विषय हैं उसे हम जो है एक बार देख लेना चाहेंगे, फिर हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ेंगे। तो नगरीय योजना, शहरी योजना सहित भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें और पुल, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों आदि की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि, सौ गाड़ना और कब्रिस्तान, सौदा और शमशान और विद्युत सौदा, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है, लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं हैं, वधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनियमन। तो इतने विषय, 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में, इनको याद नहीं करना है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार
ये तो पता हो कि नहीं इसमें लिखा लिखा क्या गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार से होता है। तो इसके बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 243Q में। जब ये लेक्चर पूरा हम समाप्त कर लेंगे तो नगर पालिकाओं से जुड़े हुए सब अनुच्छेदों को हम अलग अलग क्या करने हैं वाले हैं, देखने वाले हैं, ताकि आपकी क्लियरिटी इस विषय पर जो है रहे। तो 243Q में इसके बारे में लिखा गया, और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों का गठन किया जाएगा, जिस प्रकार से पंचायतों में किया गया है, लेकिन वहां और यहां में मामला अलग अलग है। ठीक है, यहां और यहां में मामला अलग अलग है पंचायतों से देखें तो। तो नगर पंचायत जो इसका सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी, नगर पंचायत। ये कैसे क्षेत्र होंगे, तो ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, धीरे धीरे वहां मार्केट वगैरह बनने लगा, कुछ कॉलोनियां विकसित हो गई, और वो ग्रामीण से फिर क्या हो गया, उसे नगर पंचायत घोषित कर दिया गया। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, जैसे गांव के आसपास जो बड़ी मार्केट्स हैं वो नगर पंचायत हैं। नगर पालिका परिषद ये छोटे शहरी क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्र नगर पालिका परिषद, और नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये बड़े शहरी क्षेत्र जिन्हें हम महानगर कहते हैं। तो अब यहीं पर कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, और अगर नगर पालिका परिषद भी आप बता सकें तो उचित होगा, कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये 3 स्ट्रक्चर। अब यहां ये आप समझिए कि नाम में केवल परिवर्तन है, अधिकार सबके समान है। ठीक है, वो क्षेत्र के हिसाब से इनके नाम में परिवर्तन है, लेकिन सारे के पास जो अथॉरिटी है वो एक समान ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नगर पालिकाओं की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, इनकी संरचना क्या है, तो इसके बारे में, संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कहां लिखा गया है, अनुच्छेद 243R में लिखा गया। क्या लिखा गया है कि नगर पालिका के सभी सदस्य उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, और इस हेतु यानी चुनाव के लिए प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड में बांटा जाएगा। तो एक नगर पालिका क्षेत्र, अभी नगर पालिका हर जगह बोला जा रहा है, लेकिन इसका मतलब नगर निगम से भी है और इसका मतलब नगर पंचायत से भी है। तो एक नगर पालिका क्षेत्र को विभिन्न वार्ड्स में बांटा जाएगा, और हर वार्ड का एक प्रतिनिधि होगा जिसे हम जनरली पार्षद कहते हैं। ठीक है ना, तो पार्षद होगा, तो इस प्रकार से होगा। और कैसे होगा, तो प्रत्यक्ष होगा, जो वार्ड के मेंबर्स आएंगे वो किस चुनाव से आएंगे, तो प्रत्यक्ष तरीके से उस वार्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष, तो सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष होगा, ये तो तय हो गया। मान लीजिए 70 वार्ड बन गया, तो एक एक वार्ड से एक एक मेंबर आएगा, तो वो कैसे आएगा, वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आएगा। लेकिन नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा वो कैसे आएगा, ये तय करने का अधिकार किसको दे दिया गया है, राज्य विधानमंडल को। तो राज्य विधानमंडल ये तय करेगा कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत का अध्यक्ष किस प्रकार से आएगा। क्या वो उन मेंबर्स के द्वारा चुन लिया जाएगा, जो मेंबर्स चुनाव जीत करके आएंगे वो अपने में से किसी को अध्यक्ष वोटिंग करके चुन लेंगे, जैसे विधायक जीत करके जाते हैं और अपने में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनते हैं, इस तरीके से होगा, या फिर वो जो अध्यक्ष होगा नगर पालिका का वो भी प्रत्यक्ष चुनाव में जाएगा, यानी दो वोटिंग होगी, एक तो वार्ड के मेंबर किसके लिए वोट करेंगे, नगर पालिका के सदस्य के लिए यानी अपने वार्ड मेंबर्स के लिए, और एक नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए। ठीक है, तो कैसे होगा, ये तय करने की अधिकारिता किसको दे दी गई, इस ये विधानमंडल को दे दी गई। एक एक बातों को समझते हुए चलिए, लेकिन सदस्य कैसे आएगा ये विधानमंडल तय नहीं कर सकते, सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही आएगा। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कैसे तय आएगा ये राज्य विधानमंडल तय कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कैसे अध्यक्ष चुना जाता है, तो प्रत्यक्ष तरीके से।
उत्तर प्रदेश में इन चुनाव में प्रत्यक्ष तरीके से ही अध्यक्ष चुना जाता है। बीच में मायावती जी ने एक प्रयास किया कि इन अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाए, यानी जो वार्ड मेंबर्स जीत करके आए हैं वो अपने में से एक मेंबर को अध्यक्ष के लिए चुन लें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रकार का जो चुनाव होता है 50-60 लोगों के बीच, उसमें पैसा खूब चलता है, तो जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने जो है प्रत्याशी बना लेता है। उत्तर प्रदेश में तो खास करके ऐसा ही होता है इन पंचायतों के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में, लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष रूप में होता है तो अब जैसे वाराणसी की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो यहाँ लाखों लाखों वोट्स पड़ते हैं मेयर के चुनाव के लिए, ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर केवल मेंबर्स द्वारा ही चुन लेना हो अपने अध्यक्ष को, तो वहाँ पैसे का बहुत खेल हो सकता है, ठीक है। तो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किस पद्धति से होगा यह तय करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है, यह ध्यान रखिए। और राज्य विधानमंडल को यह शक्ति होगी कि वह निम्न व्यक्तियों को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दे सकता है। तो एक तो यह तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है, और दूसरा क्या तय करने का अधिकार है कि वो निम्न, अब कौन कौन से हैं, ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व दे सकता है बिना किसी चुनाव लड़े हुए। देखिए, नगर पालिका, पहला, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति मतदान अधिकार के बिना। तो राज्य विधानमंडल ये प्रावधान कर सकता है कि नगर पालिका प्रशासन का अगर कोई विशेष ज्ञान रखता है तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, लेकिन इसको वोटिंग का राइट्स नहीं होता होगा, ये वोट नहीं कर पाएगा। अगला, लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों जिनके निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका का पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आता है। तो मान लीजिए कोई नगर पालिका है, तो वो नगर पालिका है तो वो कहीं ना कहीं किसी विधानसभा के तहत ही आती होगी, किसी न किसी लोकसभा के तहत ही आती होगी। तो ये उस लोकसभा या विधानसभा जिसके तहत वो नगर पालिका आती है, उसके जो है सदस्यों को इसमें मेंबरशिप दी जा सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी नगर निगम के एक पार्षद हैं, एक वो पार्षद है, ठीक है। तो लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों जिनके निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका का पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आता है, तो वहां पर यह प्रावधान है, और इस नाते से मोदी जी वहां से सांसद हैं, तो इनको भी एक पार्षद के रूप में वहां पर चुना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, यहां ध्यान दीजिए, ये और ये, इनका कोई अस्थाई क्षेत्र नहीं होता, इनका कोई अस्थाई क्षेत्र नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य राज्य से आता है, वो जो है लोकसभा की तरह उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती कि नहीं आप वाराणसी लोकसभा से जीत कर आए हैं, लखनऊ लोकसभा से जीत करके आए हैं, यह कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, यहां ध्यान दीजिए। तो यहां क्या कह रहा है कि राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, तो कोई लखनऊ में वोटर है और वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में गया भी है, तो उसको भी यह किया जा सकता। और वार्ड समितियों के अध्यक्ष, तो ये वार्ड समिति क्या है इसको समझ लीजिए, तो इसका उल्लेख किया गया है, वार्ड समिति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243S में, और इसके अनुसार क्या किया गया है, इसके अनुसार 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के क्षेत्र के तहत एक, मतलब 3 लाख से कम की जनसंख्या वाला नगर पालिका है तो वहां की बात नहीं हो रही है, ठीक है, 3 लाख से ऊपर की बात हो रही है। अगर 3 लाख से ऊपर है तो क्या प्रावधान है कि नगर पालिकाओं के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा, और ये वार्ड समिति की संरचना किस प्रकार होगी, इसका क्षेत्र क्या होगा, कार्य क्या होगा,
इन सब का निर्धारण कौन करेगा? वो राज्य का विधानमंडल करेगा। तो इसी वार्ड समिति के अध्यक्ष को भी ये सब करने का अधिकारिता किसको दी गई है? राज्य विधानमंडल को दी गई है। ठीक है, आगे अब हम ये समझना चाहते हैं कि नगर पालिकाओं की शक्तियां क्या हैं और इनके उत्तरदायित्व क्या हैं। तो पहला कि इसका उल्लेख कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 243W में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिकाओं के क्या उत्तरदायित्व रहेंगे और इनकी शक्तियां क्या होगी। तो ये अनुच्छेद 243W के अनुसार राज्य विधानमंडल कुछ सीमाओं के अधीन नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों की निर्धारण की शक्ति रखते हैं। तो यहां पर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पंचायतों को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात किया था कि कुछ ऐच्छिक विषय हैं और कुछ अनिवार्य विषय हैं। तो ऐच्छिक विषय जो राज्य विधानमंडलों के अनुसार तय होंगे और अनिवार्य जिन्हें मानना राज्य विधानमंडलों के लिए अनिवार्य है। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि कुछ सीमाओं के अधीन नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण की ये शक्ति रखते हैं विधानमंडल। कुछ अंकुश है लेकिन अधिकतर में इन्हीं की मर्जी है। अब क्या है, तो इसके अनुसार नगर पालिकाओं की निम्नलिखित शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं क्या? तो आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना जो उन्हें सौंपे गए हैं, और इसमें 12वीं अनुसूची के 18 विषय भी सम्मिलित हैं। अब जो है नगर पालिकाओं के वित्त से जुड़े हुए प्रावधान को हम पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर एक क्लियरिटी मैं और कर देना चाहता हूं कि आरक्षण की बात हम इस लेक्चर में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पंचायतों में हमने आरक्षण के बारे में बात की है। तो जिस प्रकार से पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है उसी प्रकार से नगर पालिकाओं में है। जितना अवधि टेन्योर पंचायतों की है उतना ही नगर पालिकाओं की है, और चुनाव लड़ने के लिए दोनों में 21 वर्ष के आयु की जरूरत है। ठीक है, तो सीधे बात करते हैं नगर पालिकाओं के बीच से जुड़े हुए प्रावधान के लिए। तो इसका उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 243X में किया गया है। क्या कहा गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर संग्रहित करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 243X के हिसाब से। आगे अनुच्छेद 243Y क्या कहता है? अनुच्छेद 243Y ये कहता है कि पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। तो एक ही वित्त आयोग है जो नगर पालिकाओं की भी वित्तीय स्थिति की चिंता करेगा और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की भी चिंता करेगा, और जिसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243I के तहत। ठीक है, और यह बात कौन बता रहा है? अनुच्छेद 243Y बता रहा है कि जो पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है 243I में वही नगर पालिकाओं के लिए भी व्यवस्था को देखेगा। अच्छा, और क्या करेगा ये? तो राज्य एवं नगर पालिकाओं के मध्य करों के वितरण का कार्य, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान। अब अनुच्छेद 243Z क्या कह रहा है कि इसके अनुसार राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नगर पालिकाओं द्वारा रखे जाने वाले लेखों और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान करे, इनका ऑडिट कराए। आगे अब बात करेंगे नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए गठित किया गया है वही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी है। ठीक है, तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना तथा राज्य में नगर पालिका निर्वाचन अधीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण के सभी अधिकार निर्वाचन आयोग के पास हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। अब देखिए इतनी बात हमने कर ली, पंचायतों से जुड़े हुए जो प्रावधान है उनको भी ठीक प्रकार से आप समझ लीजिए, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इतने के बाद भी एक बात की गई है जिला योजना समिति की और एक बात की गई है महानगर योजना समिति की, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो
जिला योजना समिति के बारे में बात करता है अनुच्छेद 243 जेड डी। क्या कहता है? तो यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अब बात हो रही है नगर पालिका प्लस पंचायत दोनों को मिलाकर के एक जिला योजना समिति की, ठीक है, यह अब एकदम अलग बॉडी हो गई। तो ये इसका कार्य क्या होगा? जो जिले के पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित कर, दोनों को मिला करके संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। अब इस समिति में सदस्य कैसे रहेंगे? तो इस समिति में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायतों, अब देखिए पंचायत भी आ रहा, जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। तो यहां पर नगर पालिका और पंचायत समेकित हो रहे हैं, यानी एक प्रकार से हम कहें तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन दोनों को मिल करके ये किया जा रहा है। तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जिला योजना समितियों की संरचना, अध्यक्ष चुने जाने की विधि तथा उसके कार्यों आदि के लिए प्रावधान करेगा। तो यह राज्य विधानमंडल का उत्तरदायित्व तो होगा। अगला महानगर योजना समिति, तो इसके बारे में प्रावधान कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड ई में किया गया है। और क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कार्य होगा संपूर्ण महानगर हेतु विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। सदस्यता कैसे होगी? तो इस समिति में कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिका के सदस्यों और नगर पालिका क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे। और इसमें भी राज्य विधानमंडल की अधिकारिता है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा महानगर योजना समितियों की संरचना, उसके स्थान को भरे जाने तथा उसके अध्यक्षों के निर्वाचन की विधि, उसके कार्यों आदि के लिए प्रावधान करेगा। अब देखिए नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, हालांकि जो महत्वपूर्ण थे सब पे हम बताते ही जाते हैं कि नहीं ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई, लेकिन फिर भी तो 243 बात करता है परिभाषा की। इसमें बहुत सारे जो शब्द यूज होते हैं, नगर पालिका से आशय क्या है, इस तरीके का, तो वो परिभाषाएं हैं। 243 क्यू में बात की गई है नगर पालिकाओं के गठन की, 243 आर में बात की गई है नगर पालिका के संरचना की, 243 एस में बात की गई है वार्ड समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना के बारे में, 243 टी में बात किया गया है स्थानों का आरक्षण, ठीक है, आरक्षण की बात है, 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि की बात की गई है 5 वर्ष, 243 भी में बात की गई है कि किन आधारों पर सदस्यता के लिए निहर्ताएं हैं, 243 डब्ल्यू में बात किया गया है नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके अधिकार और उनका उत्तरदायित्व, 243 एक्स बात करता है नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां, 243 वाई हमने पढ़ा इसको, वित्त आयोग की बात करता है, 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षण की बात करता है, 243 जेड ए नगर पालिका के लिए निर्वाचन की बात करता है, 243 जेड बी बात करता है कि संघ राज्य क्षेत्रों पर इसका प्रवर्तन कैसे होगा, 243 जेड सी बात करता है कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना, और 243 जेड डी बात करता है जिला योजना समिति के लिए, 243 जेड ई बात करता है महानगरीय योजना समिति के लिए, और 243 जेड एफ बात कर रहा है वर्तमान विधियों तथा नगर पालिकाओं की निरंतरता, और 243 जेड जी बात कर रहा है निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। मैंने जैसा कि आप बताया कि इन सब चुनावों का मामला लेकर सीधे कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, किस प्रकार से इस मामले का निपटारा होगा ये जो है राज्य विधानमंडल तय करते हैं और उसी प्रक्रिया का पालन करना होता है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने बात किया नगर पालिका के बारे में। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।